hi friends welcome to english study point friends today here in this video lecture i am going to discuss with you about how south asian countries started englishizing english language also friends here in this video lecture i am going to discuss with you about some stages that uh, for these south asian countries Englishizing English as a language is not a very easy task, as because these uh, South Asian countries have been gone through so many processes or stages after which they started finally accepting English as a language. Now, friends, let me tell you about South Asian countries. These countries majorly comprises of seven major countries first one is India, second is Pakistan, third is Bangladesh, fourth one is Nepal, fifth one is Bhutan, sixth one is M Maldives and seventh one is Sri Lanka. these seven countries collectively comes under the same rubric term that is South Asian countries. Now friends, let me tell you some characteristic features that define these countries or uh, due to which the um, we define these countries as South Asian countries. First one is, First reason is that these countries share same geographical proximity or you can say these countries share common borders or borders of these countries are very close to each other and second one is that these countries share same colonial past except for Nepal and Bhutan and third most reason why we define these countries as south asian countries is that these countries have a social linguistic heterogeneity we find there is uh, heterogeneity in there is language diversity as well as a different sorts of uh, society exist uh, here in these South Asian countries that's why these three major features define these uh, this uh, these countries as South Asian countries now friends this is just a brief info that I want to give to you and now let's start this वीडियो लेक्चर इसी के साथ हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में सो so, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका एंड मालदीव्स ये सारी सेवन कंट्रीज़ जो है एक ही र्यूब्रिक टर्म से जानी जाती है जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ नाउ द सिंगुलर रेफरेंस साउथ एशियन इंग्लिश हमें हम जो है इन कंट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की गई लिटरेचर को साउथ एशियन इंग्लिश इसलिए कहते हैं उसके पीछे बहुत सारे हैं। जैसे कि सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनके बॉर्डर्स जो है वो कहीं ना कहीं पास में है और साथ ही साथ जो है यानी जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है और साथ ही साथ जो है इन कंट्रीज़ के आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा पास हैं क्लोज है देन इन कंट्रीज़ का नेपाल और भूटान को छोड़कर इन कंट्रीज़ का जो कॉलोनियल पास रहा है वो भी कहीं ना कहीं सेम है न साउथ एशिया कैन बी ट्रीटेड एज अ सोशियो लिंग्विस्टिक एरिया कि साउथ एशियन ये जो रीजन है इसे हम सोशो लिंग्विस्टिक एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं देख सकते हैं आप कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है एंड जैसे कि इंडिया का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज़ जो है बोली जाती है साउथ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है नॉर्थ इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जाती है और साथ ही साथ इन कंट्रीज़ में सोसाइटी uh, में भी डाइवर्सिटी uh, है अलग अलग तरीके की सोसाइटी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है इसलिए कहा गया है सोशल लिंग्विस्टिक एरिया है कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरिएशंस हैं लैंग्वेज और साथ ही साथ सोसाइटी में देखने को नज़र आते हैं देन डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन द पब्लिक लाइव ऑफ दीज सेवन नेशंस और इन्हें जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ का जो टर्म है इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इन इन uh, रीजन्स में साउथ एशियन uh, जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इंग्लिश Uh, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इन कंट्रीज़ पर इम्पोज़ किया था ना केवल इम्पोज़ किया था यानी इन यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम्स में भी इंग्लिश को इम्पोज़ किया गया था सो डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन द पब्लिक लाइव ऑफ दिस सेवन नेशंस इज़ अ लीगेसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इन रीजन्स में इन एरियाज़ में जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज़ किया गया एंड वो भी और साथ ही साथ जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर इन्हें कॉलोनाइज़ करना भी शुरू कर दिया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और साथ ही साथ यहाँ इनके यहाँ इन रीजन्स में जो है एजुकेशनल सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए थे वहाँ पर इन ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को इम्पोज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को इम्पोज़ किया था देन साउथ एशियन कंट्रीज़ इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनीलिज़म अब बताया जाता है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ये किस तरीके से इमर्ज हुई वो भी इन्हें जो है कॉलोनाइज़ किया गया था एंड कॉलोनाइज़ करने के साथ साथ जब इन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने जो है अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी जिन्हें जो है कहा जाता है न्यू लिटरेचर एंड जब न्यू लिटरेचर का प्रोडक्शन होने लगा तो इन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर में अपनी लिटरेचर को क्रिएट करते वक्त जो है इंग्लिश को यूज़ किया एंड इंग्लिश को यूज़ करने के साथ साथ इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिस तरीके से इन्हें कॉलोनाइज़ किया गया था और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में देन जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिटरेचर प्रोड्यूस बाय साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इज न्यूली इमर्जिंग लिटरेचर कि जो लिटरेचर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ द्वारा प्रोड्यूस की जाती है उसे कहा जाता है न्यूली इमर्जिंग लिटरेचर्स वो इसलिए इन लिटरेचर्स uh, को न्यूली इमर्जिंग लिटरेचर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रीज ये सारी कंट्रीज़ जो है ये कहीं ना कहीं जो है विक्टिम्स थी कोलोनियलिज़म का एंड जिसमें इन्होंने क्या किया उस लेंग उस इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी बनाकर इन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस की एंड उस लिटरेचर को प्रोड्यूस करते समय इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिसमें इन्होंने कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया कि इन्हें जो है किस तरीके से इन्वेड किया गया था एंड एक्सप्लोय किया गया था एंड इनके जो एक्सपीरियंसेस थे इसी वे में नए बन गए इसीलिए जो है इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस की गई लिटरेचर को न्यूली इमर्जिंग लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इनके एक्सपीरियंसेस नए थे इन्होंने कुछ न्यू जो है क्रिएट करने की कोशिश की लिटरेचर की फील्ड में देन दीज कंट्रीज़ वन थ्रू कॉलोनियल एनकाउंटर येस इन कंट्रीज़ ने जो है कोलोनियलिज़म को इनकाउंटर किया एंड साथ ही साथ जो है ट्रामा ऑफ पार्टीशन एंड uh, इन्होंने जो है इन कंट्रीज़ ने साइकोलॉजिकली uh, और मेंटली जो है पार्टीशन की वजह से ये कंट्रीज़ इस इन कंट्रीज़ के लोगों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं uh, ट्रॉमा देख, देखने को नज़र आया एंड ये कंट्रीज इन कंट्रीज़ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे साइकोलॉजिकली और साथ ही साथ फिज़िकली ड्यू टू कॉलोनीलिज़म बिकॉज इन्हें जो है बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर uh, किया गया था द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़ एंड ये भी देखा जाता है कि इन कंट्रीज़ में जैसे इंडिया एक एग्ज़ाम्पल है फिर क्या होने लगा पार्टीशन हुआ उसके बाद जो है जैसे इंडिया बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया जो है एक सेपरेट एंटिटी uh, की तरह जो है क्रिएट हुई एंड इंडिया Uh, के साथ साथ जो है इंडिया का जब डिवीजन हुआ तो ना केवल इंडिया डिवाइड हुआ तो एक और कंट्री का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान सो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़ इन अ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पर जो है इन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट है इन रीजनस में रहते हैं एक दूसरे को लेकर एंड नेशनल आइडेंटिटीज़ का क्रिएशन हुआ क्योंकि इंडिया का जो है फॉर्मेशन हुआ पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ सबकी एक अपनी अपनी नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट हुई जिसकी वजह से क्या होने लगा एक फास्ट बॉडी ऑफ लिटरेचर का प्रोडक्शन होने लगा ना केवल इंग्लिश में बाकी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में भी जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो अगर जब भी इंडिपेंडेंस के बारे में शेयर किया जाता है एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं किया जाता है इंडिया में एग्जिस्ट करती हुई जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उन सभी लैंग्वेजेस में जो है इंडिपेंडेंस के बारे में इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है एंड साथ ही साथ पार्टीशन के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है जितने भी एक्सपीरियंसिस शेयर किए जाते हैं तो रीजनल लैंग्वेज़ में भी वो सारे जो एक्सपीरियंसिस हैं वो शेयर किए जाते हैं देन साउथ एशियन कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग देयर ओन लिटरेचर कि अब जो है ये पता चलने लगा कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है ये अपनी ख़ुद की लिटरेचर प्रोड्यूस कर रही थी विच दे आर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ इन विच दे आर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जिसमें इन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करके जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग गए वो भी कॉलोनियलिज्म के बारे में कि किस तरीके से इन्हें इन्वेट किया गया किस तरीके से इन्हें एक्सप्लोयर किया गया एंड बाद में जाकर इन्हें जो है किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिली देन कॉमन करेक्टरस्टिक्स ऑफ साउथ एशियन लिटरेचर अब हम जो है कुछ कॉमन करेक्टरस्टिक्स जानेंगे साउथ एशियन लिटरेचर के बारे में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इमोज इन दियर प्रेजेंट फॉर्म आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कोलोनाइजेशन जैसे कि हम देखते हैं कि आज अगर हम इन कंट्रीज़ को देख देखते हैं तो ये कंट्रीज़ का जो है फॉर्मेशन हुआ हम जो है इन कंट्रीज़ को प्रेजेंट फॉर्म में इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये कंट्रीज़ जो है अपने एक्सपीरियंसेस लिटरेचर के थ्रू शेयर करती हैं और वो भी आ, कि किस तरीके से इन्हें कॉलोनाइज़ किया गया एंड असर्टेड दैमसेल्स बाई फॉर ग्राउंडिंग द टेंशन एंड साथ ही साथ ये कंट्रीज़ अपने आप को असर्ट करती है और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट ऑन करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से इनके और साथ ही साथ जो पावरफुल कंट्रीज़ थी जिन जिन कंट्रीज़ ने इन्हें इन्वेट किया था तो किस तरीके से इन कंट्रीज़ के बीच में टेंशन एग्जिस्ट करती थी एंड साथ ही साथ जो है इन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो इम्पीरियल आइडियोलॉजी है यानी जो पावरफुल कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी है वो इन कंट्रीज़ की यानी इन नेटिव कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इन कंट्रीज़ ने यानी साउथ एशियन कंट्रीज़ ने जब इन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया गया तो इन कंट्रीज़ ने जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कॉलोनाइज़ेशन के बारे में एंड साथ ही साथ इन्होंने जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ किया कि इनके थॉट्स जो है इनके व्यू पॉइंट्स इनके परस्पेक्टिव जो है कैसे इस एम्पीरियलस्टिक या फिर पावरफुल कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी से अलग है सो so, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इमर्ज इन द प्रेजेंट फॉर्म आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड असोट दमसेल्स बाय फॉर बाय फॉर ग्राउंडिंग द टेंशन विद द इम्पीरियल पावर एंड बाई एम्फिसाइजिंग द फ्रॉम द दम्पशंस ऑफ द इम्पीरियल सेंटर ये इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ करते थे यानी ये इस चीज़ को हाईलाइट करवाते थे कि हमारी आइडियोलॉजी हम लोगों की आइडियोलॉजी जो है इन एम्पीरियल पावर की uh, की कंट्री से कैसे अलग है न वेरियस स्टेज़ ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज देयर पार्ट तो ये सारे स्टेजेस हैं पहला फेज जो है देखा जाता है इमिटेशन फ़ेज दैन प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस फेज दैन न्यू लिटरेचर मेड आर डिस्टिंगटिव आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन दैन सबसे पहले जो फ़ेज़ है उसमें ये देखा गया कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ थी वो इंग्लिश लैंग्वेज जितने भी फेमस वर्ड थे वर्क्स थे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है उन्हें इमिटेट किया करती थी देन प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस इस फेज़ की अगर हम बात करें तो इस फेज़ में ये देखा गया कि जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ थी वो सभी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज ये इस लैंग्वेज को जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि अगर इस लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी नेटिव लैंग्वेज पर जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दैन न्यू लिटरेचर मेड अ डिस्टिंगटिव आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन थर्ड फेज में जो है इस चीज़ को देखा गया जिसमें ये बताया गया कि इस आ, कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने सभी ने जो है इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया है देन उन्होंने क्या किया उन्होंने अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस की इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करके अपनी लिटरेचर को प्रोड्यूस की एंड फिर क्या हुआ जब इन साउथ एशियन कंट्रीज़ ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया तो इन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ करके एक अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस की जिसका नाम पड़ा न्यू लिटरेचर जिस जिसमें इन्होंने अपने फ्रेश एक्सपीरियंसेस को जो है शेयर करना शुरू कर दिया वो भी कॉलोनाज़म से रिलेटेड कि किस तरीके से इन्हें जो है कॉलोनाइज़ किया गया एंड किस तरीके से इनको एक्सप्लोय किया गया एंड बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस अटेन की देन फर्स्ट फेज़ में अगर देखा जाए तो राइटर्स इमिटेट द ग्रेट वर्क्स ऑफ द इम्पीरियल पावर कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने क्या किया था साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो राइटर्स थे उन्होंने जितने भी इम्पीरियल वर्क्स थे पावरफुल इम्पीरियलिस्टिक वर्क्स थे उन्हें इमिटेट करना शुरू कर दिया जैसे कि शेक्सपियर के वर्क्स को इमिटेट किया गया एंड बहुत सारे रोमांटिक पोट्स को इमिटेट किया गया वो भी नाइनटीन सेंचुरी में एंड ऐसा करके जो है ये क्या किया करते थे विच लेट टू सी देयर ओन लैंडस्केप एंड ये सारे साउथ एशियन राइटर्स जो है अपने लैंड को जोग्राफिकल लैंड को इंग्लिश आई से देखते थे यानी इंग्लिश परस्पेक्टिव से देखते थे यानी मॉडर्न तरीके से देखते थे दिस काइंड ऑफ लिटरेचर कैन बी प्रोड्यूस अंडर इम्पीरियल लाइसेंस अब बताया जाता है कि इस टाइप का फर्स्ट फेज में देखा जाता है कि जितने भी लिटरेचर का प्रोडक्शन हुआ वो एम्पीरियल लाइसेंस में हुआ यानी इनकी परमिशन के थ्रू जो है लिटरेचर लिट्रेचर का प्रोडक्शन होता था एंड साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं अगर इम्पीरियल लाइसेंस के थ्रू अगर लिटरेचर का प्रोडक्शन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसका जो रिप्रकशन या फिर कॉन्सिक्वेंस वो ये रहा कि एलिनेशन जो है वो देखा जाने लगा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिश आइडियोलॉजी या फिर ब्रिटिश थॉट्स पर जो वर्कस हुआ करते थे उन्हें जो है क्रिएट किया जा रहा था एंड इससे क्या हो रहा था कि वो जो है अपने बारे में अपने पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं शेयर कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें जो है इम्पीरियल लाइसेंस के अंडर ही उन्हें जितनी भी लिटरेचर थी उन्हें प्रोड्यूस करनी पड़ती थी जिसमें वो जो है ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे फ्रॉम द एंड साथ ही साथ जो है वो अपने रियल uh, एक्सपीरियंसेस को भी नहीं शेयर कर पा रहे थे बिकॉज उन्हें जो है बहुत ज़्यादा डर था एंड सेकेंड स्टेज में जिसमें सेकेंड स्टेज में ये देखा गया कि इंग्लिश को जो है ये सभी के सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ के राइटर्स जो थे वो रिजेक्ट कर रहे थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का हमारी नेटिव लैंग्वेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट एंड आ रिफ्यूज़ टू अडॉप्ट आइडियाज़ एंड जितने भी राइटर्स थे उन्होंने आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया रिफ्यूज़ कर दिया जो कि इम्पीरियल कल्चर से रिलेटेड थे और इम्पीरियल एस्थेटिक यानी इम्पीरियल आर्ट से रिलेटेड थे पीपल डेवलप रियलाइजेशन ऑफ द पावर एंड कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन होने लगी कि कहीं ना कहीं जो है जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे नेशन पर इम्पोज कर रहे हैं जिससे हमारी लैंग्वेज जो है हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस जो है वो लूज़ होती चली जाएगी ग्रेजुअली सो पीपल डेवलप रिलाइजेशन ऑफ द पावर एंड मास्टरी इंस्क्राइब्ड इन लैंग्वेज विच लेट्स डू अ रिजेक्शन ऑफ द कॉलोनियल कल्चर एंड इसी की वजह से जो है जितने भी साउथ एशियन राइटर्स थे वो कॉलोनियल कल्चर को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से डर था कि अगर हमने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज एक्सेप्ट भी कर लिया तो हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस वो धीरे धीरे चली जाएगी देन फाइनल स्टेज में ये देखा गया कि जितने भी कॉलोनाइज राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंग्लिशाइज करने लग वो सारे इंग्लिश English को इंग्लिशाइज करने लगे यानी इंग्लिश को अपना नया वर्जन देने लग गए और अपने वर्क्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही क्रिएट करते थे जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस को कम्युनिकेट करते थे कल्चरल एक्सपीरियंसेस को दिस वुड लेट टू अ सेंस ऑफ डिस एलिनीशन जिससे क्या हुआ डिस एलिनीशन जो है क्रिएट होने लगा द एबिलिटी टू कन्वे इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट्स वन ओन यानी लोगों में जो है एक इस तरीके की एबिलिटी डेवलप हुई जिसमें वो जो है अपने थॉट्स को अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के सामने शेयर कर रहे थे जिसमें वो अपनी खुद की लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे थे बट वो अपनी स्पिरिट का यूज़ कर रहे थे सो द एबिलिटी टू कन्वे इन अ लैंग्वेज दैट इज़ नॉट वंस ओन द स्पिरिट दैट इज वंस ओन देन देन अब हम देखते हैं कि साउथ एशियन लिटरेचर जब भी वर्क्स क्रिएट किए जाते हैं तो वो वर्क्स जो है किन थीम्स पर बेस्ड होते हैं सबसे पहला जो है हम देखते हैं ऐसे वर्क्स में ईस्ट वेस्ट का एनकाउंटर दिखाया जाता है कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की तो कुछ जो है इस तरीके की थीम्स को जो है दिखाया जाता है साउथ एशियन जो लिटरेचर होती है ऐसे वर्क्स में देन डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस ओन कल्चर देन फिर ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से इन्हें कॉलोनाइज़ किया जाता है एंड कॉलोनाइज़ करने के बाद जब ये कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंस अटेन कर लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने कल्चर पर प्राउड फील करती हैं एंड एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ जो है ऐसे वर्क्स में एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन इन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की इंग्लिश लैंग्वेज को अपना वर्जन दिया एंड वर्जन देने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर करने शुरू किए वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो इन नेशनस की खुद की नहीं थी इन्होंने जो है अपना टेस्ट जो है उस इंग्लिश लैंग्वेज को दिया एंड साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस जो है कम्युनिकेट करने की अपने कल्चरल एक्सपीरियंस जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश की शोइंग कंसर्न विद इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड साथ ही साथ जो है ऐसे वर्क्स में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन आ, ऐसे वर्क्स में जब इन्हें कॉलोनाइज कर लिया जाता है तो इन इनकी आइडेंटिटी का भी ख़तरा दिखाया जाता है और साथ ही साथ नेशन हुड से भी रिलेटेड ईशूज़ जो है इस ऐसे वर्क्स में दिखाए जाते हैं देन अब हम कुछ साउथ एशियन फिक्शंस जो है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहला सलमान रश्दी का वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन देन अमिताभ घोष का वर्क है द शेडो लाइंस जो कि 1988 में पब्लिश हुआ था देन माइकल उदान जी का वर्क द इंग्लिश पेशेंट 1992 में ये वर्क पब्लिश हुआ था तो ये सारे वर्क्स जो है बेस्ट साउथ एशियन फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यू जी सी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम्स थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग